मुल्क भर में बिजली की बंदिश यकसा होगी। हफ्तावार दो तातीलात, कमर्शियल मार्केटें रात 8 बजे बंद की जाए। मौसम में गर्मा और मौसम में सरमा में दफातर के औकातकार तब्दील होंगे। दूसरी कौमी एनर्जी कॉन्फ्रेंस के अहम फैसले। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद ने रात 8 बजे मार्केटें बंद करने से मुतालिक हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह कहते हैं मार्केटों की रात 8 बजे बंदिश से मुतालिक तहफ्फुज़ात हैं, मगर फैसला तस्लीम करेंगे। सियाचिन के ग्यारहवीं सेक्टर में बर्फानी तोहफे में फंसे जवानों की तलाश का काम जारी। मौसम की खराबी के बायस इमदादी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर। जर्मनी और स्विट्जरलैंड से माहिरीन की टीमें आज रात पाकिस्तान पहुँच रही हैं। तर्जुमान पाक फौज। कोयटा के इलाके प्रिंस रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जान बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। सिविल अस्पताल के बाहर मुश्तइल अफराद की हंगामा राय। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर जेल में कैद बुजुर्ग पाकिस्तानी साइंसदान प्रोफेसर खलील चिश्ती की जमानत मंजूर कर ली। पाकिस्तान जाने की इजाजत न मिल सकी, अहलखाना में खुशी की लहर। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाल मशरकी बलूचिस्तान बालाई पंजाब में बारिश की पेशगोई कर दी। और कराची में बल्दिया उज़्मा के ज़ेरे एहतमाम इंटर यूनिवर्सिटीज और कलेजिएट बैडमिंटन चैंपियनशिप के शानदार मुकाबले, फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए।